शर्मा सहराधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय हम लोग MRC में आए हुए हैं और हमारे काफ़ी अच्छे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं नसीम खान जी, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत किया एक जुझारू नेता होने के नाते आज उनकी बात हम रख रहे हैं। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कृषि बिल को लेकर जो हमारे किसान भाई शहीद हुए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मोदी सरकार ने किसानों का गला घोटने वाला एक काला बिल इस देश में पार्लियामेंट में बहुमत के जोर पे लाया है। पहले दिन से देश की लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी सब ने डटकर विरोध किया है और तब से आज तक कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, भारत के हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और कांग्रेस पार्टी खुद आंदोलन कर रही है। और ये मांग है कि जो किसानों के विरुद्ध, किसानों के खिलाफ ये जो बिल कानून बनाया गया है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ कामगारों के खिलाफ भी जो कानून है, वो भी दोनों ही बिल, जो किसान और कामगार विरोधी बिल मोदी सरकार ने पास किया है, उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। सर, जितने भी कांग्रेस के नेता है जिन्होंने कृषि बिल का विरोध किया है और जो भी मोदी सरकार के लाए हुए कृषि बिल का विरोध कर रहा है, उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, ये वन साइडेड राजनीति पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, RSS और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगंडा तंत्र है, हमेशा उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जब कोई इस देश में आवाज़ उठाता है तो उसको अलग अलग तरह से नाम दिया जाता है। आज किसानों के विरुद्ध जो लाया गया कानून है, उसके खिलाफ अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो कभी उनको खालिस्तान से जोड़ा जाता है, कभी पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, कभी देश विरोधी ताकतों का उनको साथ है, इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगंडा तंत्र है जो इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। और लोकतंत्र में आंदोलन ही एक ऐसा मार्ग है जो शांतिप्रिय आंदोलन के जरिए सरकारों को जगाया जा सकता है, सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ उनको बुलाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो किसान और कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन पूरे देश में कर रही है और इसको करेगी जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। सर, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी लोग दिक्कतों का सामना किए, कुछ लोग तो मर भी गए हैं, अभी फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरह से दोबारा फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को ध्यान देना चाहिए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए और भीड़ भाड़ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, और जो एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस कोविड पीरियड में, वो लेना चाहिए ताकि ज़्यादा केसेस ना हो। और अगर ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे तो सरकार को मजबूरन कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा उसकी रोकथाम के लिए, और ये जनता के हित में। सर, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने मोदी जी से निवेदन किया है कि कृषि बिल को वापस ले, क्योंकि ये किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है, तो अगला स्टेप कांग्रेस पार्टी का क्या होगा इस मुद्दे को लेकर? कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा, जैसे कि पहले दिन से इस बिल का विरोध कर रही है, जो लोकतांत्रिक तरीका है विरोध करने का, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या पूरे देश में आंदोलन का माध्यम हो, कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है, विरोध कर रही है और इसको करती रहेगी जब तक ये बिल वापस नहीं लेती मोदी सरकार। थैंक यू।